महानगर के एक समाजसेवी अंकित टंडन एडवोकेट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र पेश करके जिला अस्पताल में फर्जी मेडिकल जारी करने वालों पर अंकुश लगाए जाने की मांग उठाई। अंकित टंडन एडवोकेट ने सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि जिला चिकित्सालय में आपसी झगड़ों में मामूली रूप से घायल व्यक्तियों के गंभीर चोटें दर्शाकर मेडिकल रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें पुलिस को मजबूरन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। समाज सेवी अंकित टंडन एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र के विषय में जानकारी दी। एक एप्लीकेशन मैं एसएसपी महोदय साहब के पास लेके आया था, इसमें कुछ इनको एक सूचना देनी थी मुझे कि 28/3 को एक FIR पंजीकृत कराई गई थी अमरोहा के अंदर, जिसमें मेडिकल अमरोहा में भी कराया गया और मुरादाबाद में भी कराया गया। FIR की जो तहरीर है उसके अंदर दिए हुए जो धाराएँ हैं वो अलग हैं उनसे जो FIR के अंदर पंजीकृत करी गई, जबकि पुलिस भी यहाँ पर शपथ लेके ये कह रही है कि जो तहरीर का कंटेंट है वही हमने उतारा है FIR में, उसमें 506 नहीं थी तहरीर में, इन्होंने 506 पढ़ा। इसी के बाद मेडिकल के अंदर भी इसमें काफ़ी लैक्यूनास हैं और मेडिकल को लेते ही हेमंत द्वारा एक तहरीर मुरादाबाद SSP साहब के सामने ये भी दी गई थी कि अमरोहा का जो हॉस्पिटल स्टाफ है उन्होंने लगभग 1,25,000 रुपये लेके इनसे फर्जी मेडिकल बनवाने के लिए 1,25,000 रुपये ले लिए और मेडिकल भी 326 का नहीं बनवाया। वो तहरीर की कॉपी भी मेरे पास है और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास हैं। आप क्या चाहते हैं इसमें? पुलिस और डॉक्टर्स और डेंटिस्ट, इसके अलावा कुछ असामाजिक तत्व भी इन्वॉल्व हैं जो इस तरीके के रैकेट चला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे निर्दोष लोग जो हैं उनके ऊपर फर्जी FIR दर्ज होती है और करप्शन को बढ़ावा मिलता है। एक्सटॉर्शन जैसे संगीन अपराध जो हैं भय में रख के करे जाते हैं और उन एक्सटॉर्शंस की वजह से एक सामान्य व्यक्ति जो है वो पीड़ित रहता है, उसे अभियुक्त बना दिया जाता है। तो हॉस्पिटल के कौन कौन कर्मचारी हैं जो नाम बताएंगे आप जो भ्रष्ट हैं? हॉस्पिटल के कुछ जो कर्मचारी भ्रष्ट हैं उनका मैंने इस तहरीर में विवरण दिया है, इसकी कॉपी में आपको दूंगा। SSP साहब से आपने क्या मांग की है? SSP साहब से फिलहाल मेरी इतनी ही मांग थी कि जो भ्रष्टाचार फैलाते हुए फैला रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट एक डॉक्टर हो या पुलिसकर्मी हो, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए जनता के अंदर जो आक्रोश आज फैल रहा है आपके करप्शन की वजह से उसके ऊपर रोकथाम। क्या आश्वासन दिया? आज SSP साहब आज मेरे को मिल नहीं पाए और मैं उनके पास पुनः कल ये एप्लीकेशन लेके आऊँ।